Indian Prime Minister has now officially taken over India's G20 presidency from the Indonesian President Joko Widodo in Bali. भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। Curtains have come down on the 17th G20 summit meeting where Russian President Vladimir Putin was missing in the room. And India will now have the task of bringing everyone back to the negotiating table as it takes over the G20 presidency. Namaskar. Chanakya IAS Academy mein aapka swagat hai. Bharat 1 December se G20 ki adhyakshata shuru kar raha hai. G20 mein duniya ki 20 sabse badi arthvyavastha wale desh shamil hain. Ye desh वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% से अधिक और दुनिया की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। बेशक G20 की अध्यक्षता करना वैश्विक नीति के संदर्भ में भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण विकास है। इसे ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में इससे संबंधित 3 पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, G20 की यह अध्यक्षता भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा, मौजूदा रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित क्या चुनौती भारत के समक्ष है। और तीसरा, अध्यक्ष के रूप में भारत को किन मुद्दों पर कार्य करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले पहलू से कि अध्यक्ष पद को संभालने के साथ ही भारत विकासशील देशों के एक छोटे समूह में शामिल होगा जिसमें मैक्सिको, चीन, अर्जेंटीना, सऊदी अरब और इंडोनेशिया है। ये ऐसे देश हैं जिन्होंने 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद एक एक कर G20 के वार्षिक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। जो बात भारत के अध्यक्षीय पद को और भी खास बनाती है वह यह है कि पहली बार ट्रॉयका में केवल विकासशील राष्ट्र शामिल होंगे। वह कैसे, तो इसे जानने से पहले यह देखते हैं कि ट्रॉयका होता क्या है। तो ट्रॉयका विशेष रूप से प्रशासनिक या प्रबंधकीय क्षमता में एक साथ काम करने वाले 3 लोगों के समूह को कहते हैं। अब वापस उस सवाल पर कि भारत की G20 अध्यक्षता आखिर खास क्यों है, तो G20 में हर साल रोटेशन के आधार पर अध्यक्षता प्राप्त करने वाला देश ठीक पहले अध्यक्षता कर चुका देश और ठीक उसके बाद अध्यक्षता करने वाले देश के साथ आगे के विभिन्न मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम करता है। 3 देशों के इस तरह एक साथ मिलकर काम करने को ही यहां ट्रॉयका कहा जा रहा है। फिलहाल G20 की इस ट्रॉयका में इटली, इंडोनेशिया और भारत शामिल है। जब भारत 1 दिसंबर को अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा तो यह अपने पूर्ववर्ती इंडोनेशिया और अपने उत्तराधिकारी देश ब्राजील के साथ ट्रॉयका का हिस्सा होगा। यह विकासशील देशों के दृष्टिकोण से G20 के प्लेटफॉर्म पर विकास को देखने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा जो अभी तक विकसित देशों के द्वारा तय किया गया है। इसलिए सभी महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे खाद्य सुरक्षा, कुछ विकासशील देशों के ऊपर कर्ज का अत्यधिक दबाव, डिजिटल अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, जिन पर G20 गंभीर है, केंद्रित है, का समाधान, गरीबों और कमजोरों पर उनके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए किए जाने की संभावना है। अब चर्चा करते हैं दूसरे पहलू से संबंधित। यहां एक बात और याद रखने की है कि भारत को अध्यक्षता एक ऐसे समय में मिली है जब रूस यूक्रेन युद्ध का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर साफ दिख रहा है। ऐसी स्थिति में G20 का नेतृत्व संभालना भारत के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि भारत को एक साथ कूटनीतिक एवं व्यापारिक स्थिति के बीच संतुलन बनाना होगा। इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। भारत को अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों के साथ कूटनीतिक रूप से करीब रहना है और यह देश रूस के खिलाफ एक्शन को और बढ़ाने की बात कर रहा है। वहीं भारत रूस के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध को बनाए रखना चाहता है और रूस के साथ अपने संबंधों की गर्मजोशी को कम भी नहीं करना चाहता क्योंकि रूस का स्थान भारत की वैदेशिक नीति में एक अलग स्थान रखता है। मतलब साफ है, भारत दोनों पक्षों के बीच सुचारू रूप से संवाद को जारी रखने की एक अनूठी स्थिति में है।
भारत सभी पक्षों के साथ निकटता की इस स्थिति का लाभ उठा सकता है और जहां तक संभव हो सके G20 में इन देशों के बीच की दूरी को कम करवा सकता है। अंत में तीसरे एवं अंतिम पहलू की कि अध्यक्ष के रूप में भारत को किन किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो भारत की G20 प्राथमिकताएं, जैसा कि सरकार ने खुद कहा है, समावेशी, न्याय संगत और सतत विकास, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और तकनीक सक्षम विकास, जलवायु वित्त पोषण, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सहित अन्य मुद्दे हैं। G20 के अध्यक्ष और विकासशील देशों की ट्रोइका के हिस्से के रूप में भारत को खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा तथा जलवायु जैसे तत्काल चिंता के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा भारत के द्वारा उन मुद्दों को भी आगे बढ़ाने की उम्मीद है जो गरीब देशों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। हालांकि इंडोनेशिया ने नवाचार, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस और कमजोर समूहों को सशक्त बनाने और विकसित और विकासशील देशों के बीच सहयोग जैसे क्षेत्रों में काम करके शुरुआत की है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने भारत की G20 अध्यक्षता से जुड़े 3 अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। नमस्कार। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।